पुलिस की गिरफ्त में आपने कई शातिर स्नैचर को देखा होगा, लेकिन ऐसी महिला स्नैचर नहीं देखी होगी जो बाइक के पीछे बैठ बेहिचक और बेधड़क कीर्तिनगर और आसपास के इलाकों में स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देती थी, वो भी खास अंदाज में पुरुष की वेशभूषा पहनकर, ताकि पुलिस को महिला पर शक न हो सके। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, जहां अपराधी कितना ही शातिर क्यों न हो, कानून के शिकंजे में फंस ही जाता है। कुछ ऐसे ही पुलिस की गिरफ्त में ये बंटी बबली का गिरोह भी फंसा, जहां लगातार कीर्तिनगर इलाके में हो रही वारदातों से परेशान होकर पुलिस ने अपना जाल बिछाया और एक रमणीक सिंह नाम के आरोपी को अरेस्ट किया, जिसके बाद इस गिरोह का पूरा पर्दाफाश हुआ और इस गिरोह की लीडर एक महिला स्नैचर निकली, जहां ये कीर्तिनगर समेत दिल्ली के कई अन्य हिस्सों में भी नए नए लोगों को जोड़कर अपना गिरोह चलाती थी और स्नैचिंग और लूटपाट जैसी वारदातों को अंजाम देती थी। वहीं इस गिरोह के पकड़े जाने से स्नैचिंग और लूटपाट के लगभग आधा दर्जन से ज्यादा मामलों को पुलिस ने सॉल्व किया है। कीर्तिनगर पुलिस स्टेशन ने दो ऐसे रॉबर्स को पकड़ा है जिनमें एक महिला है जो इस गैंग की लीडर है। ये लोग पिछले कई दिनों से वारदातें कर रहे थे, जिसमें हमेशा ये आता था कि एक महिला भी है जो पीछे बैठी है जिसने स्नैचिंग की है। इन्होंने एक ऐसी वारदात कीर्तिनगर में कुछ दिन पहले की थी, जिसमें इन्होंने एक महिला का बैग छीना था जो द्वारका से यहाँ आई थी फर्नीचर मार्केट में। उस बैग में 1,00,000 रुपये थे। उस केस में हमें सीसीटीवी फुटेजेस मिले और सीसीटीवी फुटेजेस के बेसिस पे हमने पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और बहुत सारे तरीके लगाए हमने, और उसमें एक क्रिमिनल जो रमणीक सिंह है उसको हमने नांगलोई एरिया से, जो रहता है वहाँ से वैसे निहाल विहार का रहने वाला है, वहाँ से पकड़ा। उसने बताया कि उसकी जो मेन लीडर है वो एक लेडी है जो करीबन 30 साल की लेडी है, और वो कई दिनों से ये वारदात करती है। वो अलग अलग लोगों को अपने साथ मिलाती है, कभी रमणीक सिंह को, कभी उसके और भी साथी हैं। तो इस लेडी का हमने सर्वेलेंस करना शुरू किया और फाइनली इस लेडी को पकड़ने में सफलता मिली। यह कई वारदात कर चुकी है, अभी तक हम 8 केसेज इससे वर्कआउट कर चुके हैं। काफ़ी बड़ी मात्रा में हमें रिकवरी हुई है और ये नई दिल्ली एरिया में भी बीच में इसने वारदातें की हैं लास्ट ईयर। इस साल ये कीर्तिनगर और हरिनगर इलाके को इन्होंने ज़्यादा टारगेट किया था। यह लेडी बहुत दिनों से इन्हीं वारदातों में शामिल है और ये बड़ा एक तरीका अपनाती है कि ये मेल जैसी अपनी गेटअप बना लेती है, एक जैकेट पहन लेती है, ऊपर एक कैप या हेड जैसा पहन लेती है, गॉगल्स लगा लेती है, तो एकदम से किसी को देखने में लगेगा कि कोई मेल है। तो इस प्रकार से ये डिस्गाइज करती है अपनी जो अपीयरेंस को और लोगों को थोड़ा बेवकूफ बनाने की कोशिश करती है। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ कि लोगों ने पकड़ लिया कि शायद कोई लेडी थी, लेकिन जब इस बार वारदात हुई थी तो यही आया था कि दो लड़के हैं, कोई महिला का जिक्र नहीं आया था इस वारदात की जब कॉल आई थी। और जब हमने सीसीटीवी फुटेज देखी तब भी पता लगा कि शायद दो आदमी हैं। यह महिला कई वारदात कर चुकी है और इन्हीं वारदात, इसलिए हमारी जो रिकवरी है काफ़ी बड़ी मात्रा में हमें रिकवरी इसमें हुई है। करीबन 78,000 रुपये कैश मिले हैं, 2 मोबाइल फोन हैं जो काफ़ी महंगे हैं, 4 घड़ियाँ जो कि बहुत ही महंगी घड़ियाँ हैं, 6 स्नैच्ड पर्स मिले हैं जिनमें डॉक्यूमेंट्स भी थे, 7 गोल्ड रिंग्स, 3 सिल्वर रिंग्स, 1 पेयर गोल्डन टॉप्स है, ईयर टॉप्स हैं, 1 गोल्ड चेन है, 1 सिल्वर चेन है, 1 पल्सर मोटरसाइकिल है ब्लू कलर का जिसपे ये वारदातें करते थे, और 1 पिस्टल जो है रमणीक सिंह से मिला था हमें, उसमें लाइव कार्ट्रिजेस भी थे, ये अपने सुरक्षा के लिए पिस्टल भी रखते थे। तो इस प्रकार से ये एक बंटी बबली जैसा गैंग था और कई दिनों से वारदात कर रहा था। इसको पकड़ने में हमें कामयाबी मिली है और इससे हमारी स्नैचिंग की जो वारदात हुई है उनमें जरूर कमी आएगी। फिलहाल पुलिस ने इनके पास से काफी कैश, मोबाइल, महंगी घड़ियां, पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ साथ इस महिला के कुछ ड्रेस को भी जब्त किया है, जिसे पहनकर ये लोगों के साथ साथ पुलिस की आंखों में भी धूल झोंकती थी। पश्चिमी दिल्ली के कीर्तिनगर इलाके से ब्यूरो रिपोर्ट, सच दर्शन।